हाँ जी बेटा सो so, हम अपना जी का जो सिलेबस स्टार्ट किया था हमने उसमें हमने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया रजिस्ट्रेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक हमारी क्लास नहीं हो पाई ड्यू टू सम अनअवर्डेबल रीजन्स बट डोंट वरी वो सारा का सारा सिलेबस मैं आपका आज और कल में कवर करवा दूंगा वैसे भी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमारा ज़्यादा कुछ नहीं बचा है एक्सेप्ट द इलेट्रेशन पार्ट and uh, the process the practical process part which i'll i'll show you today that uh, how the registration page look like theek hai wo hum dekhenge aur uske baad hum apna reverse charge mechanism evening ki class mein start karenge तो हमारा आज की जो अभी की class है afternoon की उसमें हमारा registration chapter खत्म हो जाएगा और evening की class में हम अपना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टार्ट किया था उसका कॉन्सेप्ट समझा था उसके अंदर जो सिक्सटीन टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं वहां पे हम वो सारी सर्विसेज को एक्सप्लोर करेंगे कि उस सर्विसेज में वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं बेसिकली और जितना भी आपके सिलेबस परसपेक्टिव से आपके नॉलेज परसपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है दैट पार्ट वी विल गो ना कवर इन द इवनिंग क्लास ठीक है बेटा सो बिफोर मूविंग हेड आई विल जस्ट आस्क एवरी वन इफ एनी बडी हैज एनी डाउट any like any of the feeds uh, like observations anything please feel free to write i'll try to answer everything and uh, post that i'll start the session let's wait for 2 minutes to join other candidates and um, if anybody has any doubt so we'll cover that part as well मैंने आज कुछ बहुत सी बेसिक बेसिक चीजें भी कवर करवाऊंगा मैं सो so दैट आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो आई होप सारे बच्चों को कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो गया होगा अगर किसी बच्चे को नहीं हुआ प्लीज बता दो आप लोगों की डेट शीट भी आ चुकी है आई बिलीव और फर्स्ट वीक ऑफ मे में आपका एग्जाम है जीएसटी का हम उससे पहले अपना पूरा सिलेबस काफी पहले ख़त्म कर लेंगे हम जिन बच्चों ने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज वहाँ पे आपके एग्जाम्स के टाइम पे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट होंगे ठीक so hmm. है सो एज्यूमिंग नो हैज एनी डाउट लेट स्टार्ट द सेशन एंड मूव हेड हां जी बेटा सो हमने जीएसटी के अंदर कंपल बेटा आपको ग्रुप का लिंक नहीं मिला क्या अभी तक एक सेकेंड मैं पहले यही कर दूं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू वैसे काफ़ी सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है बेटा बट नो वरीज एक सेकेंड मैं अभी चैट बॉक्स में डाल देता हूँ सो दैट You can stay connected. <laughs> <laughs> एक सेकंड देना बेटा मैं आपको ग्रुप का लिंक यहीं चैट पर डाल देता हूँ सो दैट जो आगे बच्चे जो रिकॉर्डेड सेशन लेंगे उनको भी ये यह लिंक यहीं से मिल जाएगा एक मिनट दे दो मुझे बस ये है बेटा वो लिंक इसको क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है बेटा अभी आप सबको लिंक मिल गया है जिसको नहीं मिला अगर और अगर और भी आपके नोन में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बोल सकते हैं लिंक क्लिक नहीं हो रहा है सर ठीक है मैं काम करूँगा अपनी टीम को बोल के आप लोगों को इंडिविजुअली लिंक व्हाट्सएप करवा दूंगा एंड बाय क्लिकिंग दैट वे यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप समझ गया मैं अपनी टीम को बोल के आप लोगों को इंडिविजुअली व्हाट्सएप करवा दूंगा ठीक है और मे बी इफ यू कैन सर्च ऑन द टेलीग्राम जीएसटी एंड कस्टम 2023 ट्वेंटी थ्री सॉरी जीएसटी कस्टम कस्टम्म अभी रिसेंटली एक बच्चे ने ज्वाइन किया है क्या नाम है मेजर गेमर ठीक है ठीक है बेटा ये सब चीजें हम ऑपरेशनल चीजें हैं हम इसको टेकअप कर लेंगे और आप लोग टीम को बोल देना जो भी आपका सपोर्ट नंबर है वो लोग आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे वैसे भी मैं आपको ती, आज टीम को फिर से बोल दूंगा आप सब लोग बच्चों को एक बार इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे भेज देंगे लिंक वो ठीक है बेटा अभी हम चलते हैं अपनी आगे की पढ़ाई की तरफ हमारी आगे की पढ़ाई जो है हमने अभी तक देखा कि जो रजिस्ट्रेशन है वो क्यों जरूरी है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और किस किस को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी हमने देखा हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन लेने का आ, क्या लिमिट है वो सारी चीजें हमने देखी अभी हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें क्या कहता है कहता है विकास कंप्यूटर है गुजरात में वो प्रोवाइड करता है कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विसेज

उसकी टर्न ओवर है विच इंटरस्टेट एंड अब ध्यान से समझिए बेटा, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि, तो पहली चीज़ क्लियर हो है कि ये सर्विस है गुड्स नहीं है फर्स्ट थिंग दूसरा गुजरात स्टेट है दूसरी चीज तीसरा उसकी एग्रीगेट टर्न कितनी है फिफ्टीन लाख रुपीज अगर आप देखेंगे तो ये बेसिक थ्रेसोल्ड लिमिट से पांच लाख रुपए कम है क्लियर है लेकिन आगे सवाल में बोला गया कि जो वो जो पंद्रह लाख रुपए आए हैं वो आए हैं बोथ एंड इंटरस्टेट, मतलब इंटरस्टेट का मतलब क्या हुआ एक राज्य से दूसरे राज्य में मतलब गुजरात से राजस्थान या मुंबई या दिल्ली या मध्य प्रदेश या हरियाणा या पंजाब कुछ भी आप मान लीजिए ठीक है वो हमारे हो गए इंटर स्टेट और आगे उसने क्या बोला एंड इंट्रा स्टेट मतलब गुजरात के अंदर तो इसका मतलब क्या हुआ हमने जब देखा था बेटा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने कवर किया था सेक्शन के अंदर कि अगर आप इंटर इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे हो इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट इज रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ टर्न ओवर यू आर यू हैव इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और द करंट फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू अप्लाई फॉर द जीएसटी नंबर करेक्ट तो यहां पे अगर देखा जाए तो उसकी वो इंटरेस्टेड सर्विसेज भी दे रहा है तो उसको जेसी नंबर लेना ही पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास एम आई क्लियर क्या मैं इस चीज में क्लियर हूं बेटा <laughs> बताइए बेटा क्या मैं इस चीज में क्लियर हूं कोई डाउट हां जी सो so बेटा रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कुछ बच्चों का मेरे पास डाउट आया था कि सर ये शब्द आपने कई बार इस्तेमाल किए हैं लेकिन हमें इसका मतलब सही से समझ में नहीं आ रहा है आई टोटली बिकॉज ये ऐसे शब्द हैं जो आपको हर जगह परेशान करेंगे जीएसटी सिलेबस में जब आप बाहर भी जाएंगे तो ये शब्द आपको चारों बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं तो आपको इनके बीच में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि वो क्या होता है ठीक है पहला शब्द जो हमारा है वो है Nil rated sorry let me change the color Nil rated दूसरा है exempted तीसरा है zero rated जीरो चौथा है non gst ये चार शब्द ऐसे हैं जो आपके आपके सिलेबस में हम बार बार यूज भी करेंगे हमने पास में भी यूज किया तो मैंने सोचा इसको आपको एक साथ बता दूं और आपके नोट्स में दे दूं ताकि आपको हमेशा ये चीजें याद रहे कि इनमें फर्क क्या है चारों में ठीक है हालांकि देखा जाए तो चारों में ही जीएसटी नहीं लगता है चारों में जीएसटी नहीं लगता है लेकिन इनके इन चारों शब्दों के अंदर इनका एक मूल परिभाषा है इसकी एक कि इसके अंदर चारों चीजें अलग अलग बहुत हैं जैसे हम पहली चीज देखते हैं पहली चीज है हमारी नील रेटेड मतलब मतलब नील रेटेड का मतलब क्या हुआ देखते हैं कि इसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा लेकिन सॉरी लेकिन जीरो, जीरो रेट से लगेगा निल, एक बात ध्यान रखना, में में और जीरो में फरक बहुत है। आगे बताता हूं जो आप ये देख रहे हैं निल रेटेड और जीरो रेटेड दोनों में फर्क है कैसे आगे बताता हूं यहां पे अगर आप जो ये जीरो देख रहे हैं और यहां पे जो आप जीरो देख रहे हैं ये इन दोनों का बीच का बेसिक डिफरेंस मैं आपको सिर्फ बताऊंगा क्योंकि अगर हम इंडेक्स में गए तो शायद दो क्लासेस और लग जाएंगी ठीक है ध्यान से समझिए कि जो रेटेड होती है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है जीरो जी, निल के हिसाब से इसको हम नील प्रोनाउंस करेंगे जीरो जीरोस नहीं करेंगे ध्यान रखना इसको हम प्रोनाउंस करेंगे नील ठीक है नील रेटेड में कहता है कि इसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर पाते हो विच मीन विच मीन्स इसका मतलब हुआ जब आपने सामान खरीदा पहला स्टेप इस पर आपने जीएसटी पे करके आए लेकिन इसी के साथ जब आपने सामान को बना करके बेचा आगे तो आपका ये वाला प्रोडक्ट हो गया रिलेटेड ठीक है आपने खरीदा जीएसटी पे किया था सामान को प्रोसेस किया और आगे बेच दिया लेकिन तब आपका जीएसटी नील हो चुका है तो जो आईटीसी आपने पे किया है जीएसटी उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट क्लियर कहती है उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा तो बट अल्टीमेटली आपका जीएसटी जो है वो निलेटेड है वो प्रोडक्ट्स कौन-कौन से है? है। हैं देखिए प्रोडक्ट्स हैं ग्रेन्स सॉल्ट जैगरी एटसेट्रा तीन एग्जांपल मैंने दे दिए थे कि ये जैसे ऐसी चीजें हैं जो आपको इस्तेमाल करते हो आप लोग ठीक है आगे एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड में क्या कहता है ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपके डेली यू यूजेस में काम आती हैं ठीक है डेली यूजेस में जैसे अगर मैं कहूं तो ब्रेड फ्रेश फ्रूट्स मिल्क कर्ड एटसेट्रा खाने पीने की चीजें मतलब जो आपके आपके नेसेसिटी के लिए जरूरी हैं ये है ना कि अगर आपको ब्रेड चाहिए तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है सरकार ने उसको जीएसटी में एग्जेप्ट कर रखा है कि भैया आप बाहर हो जीएसटी में तो हो लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा आपके ऊपर ठीक है उसको एग्जेप्टेड बोल दिया जाता है जैसे अगर हम इनकम टैक्स की बात करें वहां भी क्या होता है एग्जेमटेड इनकम यही बोलते हैं ना एक्जेमटेड इनकम है ये इनकम तो है बट एग्जेमटेड है सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगी दूसरी चीज चीज बोला जाता है जीरो रेटेड इसका मतलब क्या होता है कि बेटा जब भी आप कोई सामान कोई सर्विसेज इंडिया से बाहर भेजते हैं विच इज विच कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या फिर कोई एस ई जेड आप बोलोगे सर ये क्या होता है ये क्या होता है सर बेटा ई जेड -E वो चीज जगह होती है जहां पे जैसे कि मैं नोएडा में बताऊं नोएडा में नोएडा में और गुड़गांव में काफी सारे एसई जेड है मतलब वहां पे क्या होता है बेटा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई होती है और वहां पे बैठ के जो भी लोग काम कर रहे होते हैं वो इंडिया के लिए नहीं कर रहे होते हैं वो लोग सिर्फ बाहर अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रहे होते हैं आया कुछ समझ में अगर मैं यहाँ पे बैठ यहां पे नहीं मतलब उस बिल्डिंग उस, उस एरिया में जाकर के बैठ के काम करूंगा ठीक है और वहां से बैठ के एक्सपोर्ट करूंगा अपनी सर्विसेज ठीक है

पहली चीज क्या हो गई मैंने डायरेक्टली यूएसए को सर्विसेज दी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। दूसरी मैंने एक्स परसन को, जो परसन यहां पे बैठ के काम कर रहा है यहां पर बैठ के, और वो यूएसए सर्विसेज दे रहा है तो भी मेरी सर्विसेज पे जीरो टैक्स लगेगा क्लियर है बेटा तो इसको हम बोलते हैं जीरो रेटेड और चौथा हमारा आता है नॉन जीएसटी जैसे कि तो थी बतानी थीटेड को हम इसको ध्यान रखना बोलोगे सर है तो जीरो ही क्या फर्क पड़ता है बेटा फर्क पड़ता है जब आप इसको डिपार्टमेंट से बात करते हो लीगल सूट में फाइल बातें करते हो आप तो फर्क पड़ता है कि जीरो अब, अगला एक बेटा नील रेटेड को ना अगर ये नील है तो इसको वन टू थ्री मतलब तो सॉरी टू तो नहीं वन थ्री फाइव ट्वेल्व अट्ठारह अट्ठाईस ये हमारे जीएसटी रेट्स हैं और भी हैं बट ये आ, मेजरली यही हैं इस नील को बढ़ा करके वन थ्री फाइव कुछ किया जा सकता है लेकिन इसको नहीं किया जा सकता क्लियर बहुत बेसिक डिफरेंस है निल को बढ़ाया जा सकता है yeah. जीरो को नहीं बढ़ाया जा सकता क्लियर छोटा सा मैंने एक टेबल बना दिया था आपके लिए कि आप समझ जाओ वो पैराग्राफ था ये एक नॉर्मल सी आ, आ, टेबल है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई डाउट बताया इसमें कोई डाउट नील रेटेड एग्जाम जीरो रेटेड नॉन जीएसटी ठीक है जीएसटी एप्लीकेबल नील जीरो ठीक है टाइप ऑफ सप्लाई एवरीडे आइटम बेसिक इसेंशियल ओवरसीज सप्लाई सप्लाई टू एस सी एंड सप्लाई फॉर विच इज नॉट एप्लीकेबल बट कैन अट्रैक्ट अदर टैक्सेज कोर्स क्योंकि जब आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे देखते हैं तो एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों लगते हैं सिमिलरली अल्कोहल पे एक्साइज uh, ड्यूटी और वैट दोनों लगते हैं ठीक है बेटा और ये आपके थोड़े से एग्जांपल्स हैं ग्रेन्स सॉल्ट जैगरी ब्रेड पेट्रोल एंड अल्कोहल ठीक है बेटा